नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जुलवानिया में सकारात्मक खबरों से समाज को सही दिशा दी जा सकती है। वही पत्रकार समाज का दर्पण होता है, जिस प्रकार आईने में देखकर अपनी सुंदरता को निखारा जा सकता है, उसी प्रकार सकारात्मक खबरें समाज को प्रगति की ओर ले जाती है। यह बात आंचलिक पत्रकार संघ व्रत जुलवानिया द्वारा आयोजित नारद जयंती उत्सव के अवसर पर पत्रकार परिचर्चा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत बौद्धिक प्रमुख सुनील बागुल ने कही है। वही विश्व संवाद केंद्र जिला बड़वानी के आह्वान पर संचालित पत्रकार संघ व्रत जुलवानिया द्वारा नारद जयंती और पत्रकार परिचर्चा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बागुल ने कहा है कि तीन प्रकार के दर्पण होते हैं, उसी प्रकार समाचार लेखन में भी तीन प्रकार होते हैं। समाचार समाज नकारात्मक से बचने के लिए सकारात्मक खबरें प्रकाशित होना चाहिए, जिससे पूरा माहौल सकारात्मक रूप में रहे, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ पत्रकारिता को बताया गया है। बोध कथा के माध्यम से बगुल ने उनके उदाहरण दिए। परिचर्चा में कोरोना काल में दिवंगत पत्रकार साथियों और परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वही परिचर्चा की अध्यक्षता पत्रकार श्याम गोयल ने की है। इस दौरान संघ के संरक्षण दीपक शर्मा, अध्यक्ष अखिलेश साहू, महासचिव प्रकाश यादव, कार्यक्रम प्रभारी कृष्ण साहू, मनोज अग्रवाल, हरि जायसवाल, मनोज मालवीय, मुकेश गहलोत, पप्पू महाजन, संजय मंडलोई, गौरव साहू, हुसैन सेफी, हीरालाल सोलंकी, रविकांत महाजन सहित नागलवाड़ी, ओझर, जुलवानिया, बालसमुद के पत्रकार मौजूद रहे हैं। तो चिकित्सक लोग बोलते हैं कि भाई धनवंतरी, भगवान धनवंतरी हमारे पुरखे हैं, हम उनकी राह पे चलते हैं। इंजीनियर को इंजीनियर सीरियल देखते थे या रामायण महाभारत या कुछ पुराण पढ़ते थे, तो उसमें ऋषि मुनि आपस में बात कर लिया करते थे, ऐसे बोल करके। कैसे होता होगा ये पता नहीं, ऐसा होता भी होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि हमारे हाथ। जुलवानिया से हुसैन सेफी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।